गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में अपने डिस्कस की थी बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ कॉटन डिजीज़ के बारे में। तो अब अपने डिस्कस करते हैं येलो वीन मोज़ेक ऑफ ओकरा डिजीज़ के बारे में। ठीक है, तो आइए अपने शुरू करते हैं। जितने भी ओकरा की क्रॉप में डिजीज़ पाए जाते हैं उनमें वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी डेंजरस डिजीज़ है कौन सा? येलो वीन मोज़ेक ऑफ ओकरा डिजीज़। ठीक है, तो यदि ओकरा की क्रॉप की अपने सोविंग करते हैं और सोविंग करने के 35 डेज के बाद में यदि ओकरा की क्रॉप में येलो वीन मोज़ेक डिजीज़ के सिम्टोम्स दिखाई देते हैं तो क्रॉप में 94% लॉस हो जाता है। ठीक है, और यदि अपने कहें तो 50 डेज के बाद में यदि अपने जो लक्षण है वो दिखाई दें ओकरा की क्रॉप में तो 84% ओकरा की क्रॉप को लॉस हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सिम्टोम्स पर। तो सिम्टोम्स में क्या होता है कि जो प्लांट होता है उसकी लीफ होती है उसमें सिम्टोम्स है वो दिखाई देते हैं। ठीक है, जो प्लांट होता है उसकी जो प्लांट होता है उसकी लीफ में जो पीले कलर की नसें बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, यानी कि पीले कलर की वीन्स बनना जो आरंभ हो जाती है किस डिजीज़ में? येलो वीन डिजीज़ ऑफ ओकरा क्रॉप में। ठीक है, तो क्या होता है कि जो प्लांट होता है उसकी जो लीफ होती है उसमें उग्रवस्था आने पर रोग की क्या होता है कि जो संपूर्ण जो लीफ होती है वो पीले कलर की दिखाई देती है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि फल है जो वो छोटे हो जाते हैं और फल भी क्या होने लग जाते हैं येलो कलर के दिखाई देने लग जाते हैं। ठीक है, फल स्वरूप क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया है वो उसमें कमी आ जाती है फोटोसिंथेसिस की क्रिया में। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया में कमी आने के कारण क्या है प्लांट है वो मुरझा जाएगा और क्या है सूख जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं अपने इसके जो ट्रांसमिशन होता है इसमें। तो ट्रांसमिशन में क्या होता है कि जो ट्रांसमिशन करता है उसका नाम है सफ़ेद मक्खी। ठीक है, बेमिसिया टाबाकी। ठीक है, तो जो सफ़ेद मक्खी है वो इस रोग के संचरण का कार्य करती है। इसके बाद में इसके पैथोजन पर, तो जो इसका पैथोजन है उसका नाम है बिंडी का पी सिरा मोज़ेक विषाणु। ठीक है, तो जो इसका पैथोजन है उसका जो कुल है उसका नाम है जेमिनी वेरिडी और उसका जो वंश है उसका नाम है बेगोमो वायरस। ठीक है, अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। तो मैनेजमेंट में क्या करते हैं कि सबसे पहले करते हैं इसका कल्चरल मैनेजमेंट। कल्चरल मैनेजमेंट में क्या करते हैं जो डिजीज़ प्लांट होते हैं उनको क्या करना चाहिए नष्ट कर देना चाहिए। जो प्लांट होते हैं यानी कि जो क्रॉप होती है उसमें रोगिंग कर देनी चाहिए, जो वीड है उनको नष्ट कर देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि जो SAR नामक एक मतलब मैं कह दूं कि जो उसका नाम है सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस यानी कि सर्वांगीण उपार्जित प्रतिरोधकता। ठीक है, तो जो सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस जो है उसको उत्प्रेरित करने वाले जो रसायन हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। कौन से हैं वो? तो इसको आसान से याद करने की ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले क्या आएगा S फिर A फिर R। ठीक है, तो S से क्या बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, उसके बाद में A, A पर क्या बन जाएगा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, उसके बाद में R आएगा ना उसको आप B के रूप में याद रखना है। ठीक है, B के रूप में यानी कि बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो उसका परणीय छिड़काव कर देना चाहिए। ठीक है, गोल बनाकर। उसके बाद में बात करते हैं अपने जो बायोलॉजिकल मैनेजमेंट है इसमें। तो जो इसके बायोलॉजिकल मैनेजमेंट है उसमें जो रेजिस्टेंस वैरायटीज़ हैं उनका प्रयोग करना चाहिए जैसे अरकाब्य
पंजाब 7 है, और भी इसकी जो रेजिडेंस वैरायटी जो उनका यूज करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं इसके जो केमिकल मैनेजमेंट है उसके बारे में, ठीक है। तो केमिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं कि जो रोग फैलाने वाली, जो कह सकते हैं कि अपने सफ़ेद मक्खी है जो रोग का संचरण करती है, उसके नियंत्रण के लिए इमिलाक्लोप्रिड या डेमेटॉन, ठीक है, इनका यूज करना चाहिए जिससे रोग का नियंत्रण हो सके, ठीक है, और उपज अधिक से अधिक मिल सके, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अपने किसी और जो रोग है उसके बारे में, डिजीज उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।